सो दोस्तों, आपके YTS स्टूडियो में कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन क्या है और इसको कैसे आपको हटाना है? तो नॉर्मल सा डिसमिस कर दोगे तो भाई वो डिसमिस हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो कैसे करना है दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा। जो नोटिफिकेशन है मेरे YTS स्टूडियो में आया मेन चैनल में, ये नोटिफिकेशन सभी के YTS स्टूडियो में जाएगा। यदि आपके पास नहीं आया है तो वो कुछ दिन के बाद आपके YTS स्टूडियो में नोटिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों, इसको कैसे यूज करना है, इसको किस तरीके से हटाना है या इसको अच्छे तरीके से कैसे देखना है, जो ये नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, इससे डरना नहीं है, बल्कि एक सर्वे नोटिफिकेशन है। YouTube चेक करना चाह रहा है कि YouTube किस तरीके से आपके लिए बेहतर है, YouTube का और क्या करना चाहिए ताकि वो और ही बेहतर हो सके, YouTube से आप किस तरीके से संतुष्ट है, YouTube आपको संतुष्ट रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है, मतलब आपका फीडबैक लेना चाह रहा है कि YouTube से संतुष्ट है या नहीं है। नॉर्मल सा ये सर्वे नोटिफिकेशन है जिससे YouTube ऑडियंस से फीडबैक लेना चाह रहा है कि ऑडियंस हमारे बारे में क्या जानती है, क्या सोचती है और उनको कैसा लगता है ये प्लेटफॉर्म। जो ये नोटिफिकेशन है इसको हम अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ले चलते हैं एंड यहाँ पर आपको बताते हैं। आपको अपने YTS स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने YTS स्टूडियो को ओपन करोगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। आपको यहाँ पे करना क्या है, डिसमिस पे आपको नहीं क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा YouTube के क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो, सर्वे में हिस्सा लेने के लिए दी गई में से कोई भाषा चुन ली। आप जिस भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ना जानते हैं, देखने जानते हैं, उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे चूज कर लोगे। मैं हिंदी को चूज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हिंदी को इस तरीके से हमको यहाँ पे चूज कर लेना है। एंड यहाँ पे नीचे देखो अगला का ऑप्शन दिखता होगा, अगला पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप अगला पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके यहाँ पे आर्टिकल दीजिएगा, इस 10 से 15 मिनट सर्वे हिस्सा लेने के और YouTube पर एक क्रिएटर के तौर पर अपने अनुभव बांटने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आपको मैं सहमत हूँ मैं क्लिक करना है एंड आपको अगला पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग अगला पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूट्यूब वीडियो क्रिएटर के तौर पर आप यूट्यूब से किस हद तक संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट हूँ, यहाँ पे आपको देख लेना कि आप किस तरीके से YouTube से संतुष्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बहुत संतुष्ट हूँ, ठीक है। एंड अगला पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगला पे क्लिक करने के बाद वीडियो क्रिएटर के तौर पर आप YouTube से बहुत संतुष्ट क्यों हैं, जरूरी नहीं, यानी कि आपको यहाँ पे फीडबैक देना है। देंगे YouTube बेस्ट प्लेटफॉर्म कंपेरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। इस तरीके से आप ना हिंदी से भी आप फीडबैक दे सकते हो, इंग्लिश से भी दे सकते हो। एंड अगला पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अगला पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा है, बताइए कि YouTube के इन पहलुओं से आप किस हद तक संतुष्ट या असंतुष्ट है। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा YouTube की नीतियाँ, इसको आपको पढ़ना है। जैसे कम्युनिटी दिशा निर्देश, विज्ञापन देने वाले लिहाज से अच्छे वीडियो बनाने की दिशा निर्देश, कॉपीराइट उम्र से जुड़ी पाबंदी। यहाँ पे बहुत संतुष्ट, कुछ हद तक संतुष्ट आप लोग यहाँ पे इस तरीके से अपने हिसाब से देख लेना पड़ेगा, ठीक है। YouTube से मिलने वाली सहायता और शिक्षा से जुड़े संसाधन, बहुत संतुष्ट, ये भी सही है, ठीक है। क्रिएटर के तौर पर आपको YouTube की तरफ से मिलने वाली सूचनाएं, कुछ हद तक संतुष्ट, यहाँ पे बहुत संतुष्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। क्रिएटर के तौर पर कमाई करने के अवसर, जैसे जरूरी शर्तें, विज्ञापन, मर्चेंडाइज बेचना, YouTube प्लेटफॉर्म से बाहर कमाई, बहुत संतुष्ट, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कंटेंट मैनेज करने के लिए YouTube के टूल्स जैसे YouTube स्टूडियो, एनालिटिक्स, कमेंट्स, बहुत संतुष्ट है। ये सभी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं ये अदर प्लेटफॉर्म के मुकाबले में। YouTube पर दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता, जैसे होम पेज और दूसरी जगहों पर आपके वीडियो का सुझाव दिया जाना या अगला वीडियो के तौर पर दिखाई देना, बहुत संतुष्ट, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको बहुत संतुष्ट कर देना है एंड क्या करना, अगला पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप लोग अगला पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ आपका छूटा है, ठीक है। एंड फिर से आपको यहाँ पे अगला पे क्लिक करना है। यहाँ पे वहाँ पे अगला पे क्लिक करोगे तो कुछ ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है ना वो आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो हट चुका है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।